बोल। अस्सलाम वालेकुम, मैं मालेगांव खाटी बिरादरी का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम शेख अब्बास हाजी सुलेमान खाटी है और हम खाटी बिरादरी के पूरे लोग और दिगर जो इस बकरे का धंधा करने वाले हैं, ये सब आसिम शेख रशीद का तय दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया, हमारी तकलीफों को समझा और जो इस धंधे से धंधा करने वाले जो परेशान थे उनके हालात को समझा और उनको रोजी रोटी से लगवाया। तो ऐसे हम लीडर भी बहुत बहुत सराहना करते हैं और उनका तय दिल से पूछो। शहर में जैसे कि हमारे बड़े की मार्केट है, दीगर बहुत सारी मार्केट है, कपड़े की मार्केट है, सब्जी मार्केट है, तो खाटी जमात के ताल्लुक से जैसे बात सामने आई कि बकरों की जो शहर में मार्केट नहीं है, क्या तकालीफ पेश आती है आप लोगों को? मालेगांव शहर का जो सबसे बड़ा मार्केट है काटन मार्केट, जहाँ पर बकरे का बाजार पड़ता है, तकरीबन 15 से 20 साल से हम लोग वहाँ पे बहुत तकलीफ उठा रहे थे और वहाँ पे जगह कम गिरने की वजह से वहाँ के जो मार्केट कमेटी के सचिव हैं उन्होंने लेटर इशू किया और कहा कि हमारे पास जगह नहीं है। 6-7 साल से हम लोग फिर जगह की तलाश में थे और वहाँ पे बाजार बनाने के लिए जगह कम गिर रही थी, लोग वहाँ से बहुत परेशान हो गए थे और व्यापारी लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। और हमारा जो मालेगांव मार्केट का जो बाज़ार है वो बहुत बड़ा बाज़ार होता है, मालेगांव के लिए बहुत एक कारोबार के लिए बहुत लोगों को जद्दोजहद करना पड़ी कि यार कहाँ हमने जगह लेना चाहिए। हमने आखिरी में आसिफ शेख रशीद साहब के पास हम लोग गए, हमने उनसे कहा कि यार हम लोग को बहुत तकलीफ है, मालेगांव शहर वालों को, मालेगांव के इतराब वालों को, यहाँ पर मालेगांव काटा मार्केट के अंदर जगह नहीं है। फिर आसिफ शेख रशीद साहब ने हमारी बात को सुना, समझा और कई जगह देखने के बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि शाह होटल जो आगरा रोड के ऊपर मौजूद है उसके पीछे हमारे लिए बाटा मार्केट के लिए उन्होंने जगह मुहैया की और उन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर दिया। तो ये जगह है, जगह फिक्स हो चुकी है या फिक्स होने वाली है? जगह फिक्स हो चुकी है। जगह फिक्स हो चुकी है, तो इससे पहले आप जैसे मार्केट अभी तक वहाँ पर नहीं था, तो इससे पहले फिर आप लोग किस तरह अपना कारोबार करते थे? मार्केट बंद होने के कारण हम लोग जहाँ पे ओपन ओपन कहीं रहता था अगर रोड से टच किया तो फिर गांव में कहीं तो हम लोग वहाँ छोटा मोटा बाजार भरा के अभी हमारा काम चला ले रहे थे। मार्केट बंद होने की वजह से बहुत तकलीफें उठाना पड़ी और हमने ऐसा काम हमारा किया। तो मार्केट कब से शुरू होने वाला है? वो इंशाल्लाह ये हफ्ते में या 15 दिन के अंदर वो हम लोग को ताबा दे देंगे और 1-1.5 महीने के बाद हम लोग वहाँ पे इंशाल्लाह कोशिश है कि 1-2 महीने के अंदर अंदर हम लोग वहाँ पे बाजार चालू करेंगे। इस मार्केट में जो है ये जो मार्केट आपके लिए जो जगह मिली है, इसमें आप लोगों का कोई ऐसा ग्रुप है क्या, ये इस ग्रुप के लोग ही सिर्फ वहाँ पर धंधा कर सकते हैं, पूरे मालेगांव शहर के कोई भी काटे वहाँ पर धंधा कर सकता है? ऐसा नहीं है, मालेगांव शहर के जितने भी व्यापारी है जो बकरे का कारोबार करते हैं उन सबको इजाजत है, धर्म जात हम लोग को किसी को उन लोग को मनाई नहीं है, सब समाज के लोग हमारा काटिक बिरादरी से टच है और लोग मिलकर रहना चाहिए। कारपोरेशन के क्या इंतजाम रहेंगे वहाँ पर? कारपोरेशन अभी जगह दे रही है इंशाल्लाह, आसिफ शेख रशीद साहब को हम लोग बोल के इंशाल्लाह उनके फंड से या कारपोरेशन से वहाँ पे जगह बनाएंगे और कारोबार कम्पोर्ट करके इंशाल्लाह देंगे। क्या क्या सहूलियात चाहते हैं आप वहाँ पे? उनको कारोबार कम्पोर्ट करके दे दे और वहाँ पे हमारे लिए जो व्यापारी के लिए रूम रहता है वो कर दे और रोड और जो थोड़ा बहुत अगर पक्का कर दे तो बेहतर हो जाए। अभी आपके अंदाजे के मुताबिक मालेगांव में कुल कितने व्यापारी है? के लिए जो बाजार के लिए मंडी के लिए जो जगह दी है वो एक तरह की बहुत उसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है और उनका का एहसान है। ये धंधा ये जो भी है धंधा व्यापार कुरैशी बिरादरी का बहुत बड़े पैमाने पर लोग इससे मुंसलिक है और इनके लिए इस शहर में कहीं जो पुरानी जगह थी काटन मार्केट की कोई एक बाकी कहीं किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं। शहर बड़ा होते गया, आबादी बढ़ते गई, जगह की किल्लत होती गई, आज अब बकरीद का सीजन है
इसमें तो शहर में अतिक्रमण दुनिया का कई जगह दी है, थोड़े बकरे लेके भी कहीं खड़े रहो तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। अब धंधा करें तो कहाँ करें, इस परेशानी और इसके आलम में आसिफ साहब ने ये जो काम किया राधे के लिए माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया, बहुत नेक काम किया, अल्लाह उसका जजा देगा, जजा खैर दे, बहुत अच्छी बात है।